अरे तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, मैं समझी तुम ऑफिस जा चुके हो। नहीं मामा, ऑफिस नहीं जा सकता मैं। ना आपको मेरा सेल नंबर याद हो या ना हो, लेकिन उसे घर का नंबर जरूर याद होगा। वो किसी भी वक्त इस पे कॉल कर सकती है। अरे अगर उसका फोन आएगा तो तुम्हें इत्तला दे दी जाएगी दफ्तर में। नहीं मामा, मुझे तसल्ली नहीं होगी। आप लोगों से कॉल मिस भी हो सकती है, मैं खुद उसके फोन का वेट करूंगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम ऑफिस जाके काम करो। मामा जब तक मुझे पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, किस हाल में और क्यों गायब हुई, मैं ऑफिस नहीं जा सकता। और वैसे भी इस डिप्रेशन के साथ ऑफिस जाकर किसी का काम खराब करने से बेहतर है कि मैं यहीं बैठा रहूं। खुदा हैरत करे उस लड़की को, पता नहीं कहां से हमारी जिंदगी में आ गई और बर्बाद करके चली गई। सुनो मेरी बात, सुनो, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती? तुम यहाँ अपनी मर्जी से हो या तुम्हें भी मेरी तरह जबरदस्ती लाया गया है? देखो मुझे बताओ, हो सकता है मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। देखो मैं मानती हूँ ये लोग बहुत जालिम हैं, इन जालिम के सामने बेबस हो जाना मजबूरी होती है, लेकिन उस बेबसी को अपनी किस्मत बना लेना बहुत बुजदिली है, बहुत बेवकूफी है। हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं इन सब जालिम। क्या हो रहा है ये? और तू इतनी मीसनी बन के यहाँ पे क्या कर रही है? चल चल के मेरे लिए पानी रख, गर्म कर, चल के मेरे नहाने है। क्या बकवास कर रही थी इससे? ये दारुल अमान नहीं है जहाँ तू लड़कियों की बगावत करवाती रहे। हमारी जगह ये हमारी जगह ही, हमारा हुक्म चलता है। खबरदार अगर कोई तूने बकवास करने की कोशिश की ना, जबान निकाल दूंगी तेरी गुत्ती से। नहीं सुल्ताना, नहीं। आज के बाद नायाब के साथ कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। सब कह दिया ना, तो कह दिया। और नायाब तुम हमारे साथ नाश्ता करोगी? मैंने तुम्हारे बारे में अपना इरादा बदल दिया है। मेरे पास ऐसा प्रपोजल है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी और भलाई होगी हमारी। सुल्ताना तुम कुलसुम से कहकर हमारे लिए डाइनिंग टेबल पे गरम गरम नाश्ता लगवाओ। जी जी अभी लगवाती हूँ गरम गरम नाश्ता। अरे आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। वैसे आपस की बात है, ये जो पानी है ना, ये बड़ी अजीब चीज है। इसे पियो तो दिमाग ठंडा, और अगर शावर लो तो भी दिमाग ठंडा। और वैसे भी मैं इस वक्त जो आपसे बात करना चाह रहा हूं ना, उसके लिए आपके दिमाग का ठंडा होना बहुत जरूरी है। बैठिए बैठिए ना, बैठिए बैठिए, नाश्ता कीजिए। असल में हुआ ये कि रात मैंने बड़ा सोचा, मैंने सोचा कि आप एजुकेटेड हैं, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलती हैं,
आपकी उर्दू भी बड़ी अच्छी है और आपका जो ये चेहरा है ये भी बहुत नूरानी। और सोचता मैं ये रहा कि आपसे गलीज काम क्यों लिया जाए, क्यों ना आपके इस नूरानी चेहरे से कोई नूर वाला काम लिया जाए। आपने ये तो अक्सर सुना होगा बल्कि देखा भी होगा कि चाय पीते हुए लोग पूछते कि चीनी कितनी देंगे आप या कितनी देंगे आप, मगर मैं चीनी का नहीं पूछता बल्कि मैं चाय की अच्छाई या बुराई का जिम्मेदार सिर्फ दूध को ठहराता। दूध एक ऐसी चीज है कि अगर सही मिकदार में हो तो बहुत ज्यादा साफ हो जाता है, और अगर उसकी मिकदार थोड़ी भी कम हो तो उसे काला कर देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बाबा की कहानी, बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ बाबा, अपना चमन बाबा। वो बाबा जो था ना वो बड़ा ही पहुंचा हुआ बाबा था। बाबा था को मैं हूं बाबा, मैं उस काम में ज्यादा फल फूल ना सका क्योंकि मेरा माजी जो था वो दागदार था। अगर तुम्हारा माजी तो दागदार नहीं है ना, मैं इसी वजह से तुम्हें बीबी बनाना चाहता हूं। अरे नहीं नहीं, चौंको मत। बीबी बीबी मतलब ये कि बहुत पहुंची हुई बीबी जिसके पास बहुत से अकीदतमंद आएंगे। कहां से आएंगे ये मेरी जिम्मेदारी, और तुम्हें तो पुलिस भी नहीं पकड़ेगी ना क्योंकि तुम्हारा माजी दावदार नहीं है, तुम तो अच्छे चेहरे वाले हो। और फिर इस फील्ड में औरतों के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश है, आज तक किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि औरतें ये काम कितनी खुशअसलूबी से कर सकती, क्योंकि सुना है कि औरत का ईमान कमजोर होता है और अगर औरत ही औरत का मदावा करे तो क्या ही अच्छा होगा। हेलो जी, जुहाबुद्दीन बोल रहा हूँ। कौन जी? आप कौन बोल रही हैं? आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? देखिए हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ हमें इंश्योरेंस नहीं करवानी। थैंक यू, दोबारा कॉल मत करें। हेलो जी, जुहाबुद्दीन बोल रहा हूँ जी। आप कौन? मैं बुलाता हूँ, आप होल्ड करें। मामा आपका फोन है। किसका फोन है? हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। जी जी मैं पहचान गई। ये बताइए कि अरे आपने पर्दे ठीक से बना लिए हैं कि नहीं? मुझे बस ये बताइए जो रंग वगैरह मैं पसंद कर आई थी सब वही है ना? बहुत अच्छे पर्दे सिलने चाहिए उसके कमरे के। बहुत काम आएगी तुम्हारा। अगर खुदा ना खास्ता किसी जालिम के शिकंजे में फंस जाओ ना, तो उसकी किसी भी बात पर खामखा इनकार ना, उसको इस बात पर यकीन दिलाना कि तुम उसकी हर मर्जी पर राजी हो। इधर उधर की बातें करके हाथ से आगे बढ़ने मत। और जब तुम उसका एतमाद जीत तो वहां से फरार हो जाओ। इस तरीके से कभी भी वो तुम्हारे ऊपर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। किस सोच में पड़ गई? जी मैं बस यही सोच रही थी कि जो लोग मुझसे दुआ लेने आएंगे वो मेरी दुआओं पे एतबार कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप बाकायदा रिलैक्स हो चुके हैं। देखो ना यार, ये जो डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना, ये जितना मुश्किल है उतना ही आसान है बाबा यामी के। मार्केट जो है वो तावीज़ गंडों की किताबों से, पमिस्ट्री की किताबों से, नजूमे की किताबों से भरी पड़ी है। समझे ना? चंद दिनों को पढ़ो, छांट लो, और जो छांटो उसे अपने कंप्यूटर में रख लो और बन गए बाबा के भी। और बस जरा सी चलाकी चाहिए होती है। आप ये देखो ना नया कि ये वो धंधा है जब से यानी इंसान और अकायद बने तब से चलता है, चलता रहा है, चलता नहीं। आप देखो ना कि ये पामिस्ट्री और नजूमे बड़ा मजे का धंधा है। फर्ज करो कि तुम किसी महफिल में हो, तुम अगर कोई एक हथेली देखोगी तो 10 हथेलियाँ तुम्हारी तरफ पड़ जाएंगी। कमजोर इंसान होता है पास सुखों का। हैरान मत हो, बस ये ज़हन में रखो कि अब तक बाबा बनने के लिए जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं तुम्हें सिखाता रहूँगा। अब मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी सी किताबें भी खरीद के भिजवाऊंगा, मैं उन्हें पढ़ लेना और पूरी कमाल हासिल कर लेना। और तुम्हें मुबारक हो, तुम आज से मेरी बिजनेस पार्टनर हो। किताबें भी लाऊंगा और सिखाऊंगा। सुनो ये कौन सी जगह है? मुझे जब लाया गया था तो मेरी आंखें बंद थी,
बस ये बता दो कि ये कौन सी जगह है, कौन सा इलाका है। जब आप ये जानती हैं कि आपके यहाँ से रिहाई मुमकिन ही नहीं है, तो फिर बार बार सवालों जवाब करके क्यों खुद को और मुझको किसी बड़ी मुसीबत में डालने की कोशिश कर रही है। ये अरे आपने अभी तक ये किताबें नहीं पढ़ी? जी वो रात भर पढ़ती रही थी ये सारी किताबें, फिर थक गई थी तो रख दी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी किताब है ये। कह रहा हूँ मेरा बहुत बड़ा बाविश था। और ये नहीं, ये और ये है ज़ोडियक साइन, लिंडा गुडमैन की किताब है। अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगी ना तो आपको इन पर बड़ी कमांड हो जाएगी, और उस कमांड से हमें क्या फायदा होगा ये आपको मैं बताऊंगा। ये सितारों के बारे में आप जानती हैं? मैं बताता हूँ। देखिए जो सितारे हैं ना, ये हमारी जिंदगी और हमारी किस्मत पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। ये सूरज चांद सितारे कितने पावरफुल हैं। ये जो चांद की रोशनी है ना, ये समंदर की लहरों पे अपना असर दिखाती है। हम इंसान क्या चीज है? हाँ, ये बड़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। जी मैं समझ गया। ये कपड़े जाफरानी कलर के आपके लिए है, वो भी आएगी कलसून आपकी नाप लेने के लिए। मुझे नहीं चाहिए ये कपड़ा। नायाब बीबी, ये कपड़े आपको चाहिए, समझिए आप। तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं हो, तुम्हें जबरदस्ती लाया गया है ना। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, अगर तुम मुझे यहाँ से निकलवा सको बाहर। आपके लिए इतना काफी है कि शौकत साहब ने आपके कमरे का दरवाजा खुला रखने के लिए कहा है। आप इससे ज्यादा बात ना करें तो बेहतर होगा। मम्मी क्या बात है, आप क्यों रात भर इस तरह टहलती रहती हैं? आराम क्यों नहीं करती हैं? कैसे आराम करूं, पूरा एक हफ्ता हो गया कमरे से बाहर नहीं निकला है जो आप।
उस लड़की का रोग लगा के बैठ गए। अब हम कैसे लाए इसको जिंदगी में वापस? तुमने देखा नहीं कैसी जादूगरनी थी वो लड़की? इतना मासूम चेहरा और अपनी मीठी मीठी बातों में हमें बेवकूफ बनाकर चली गई। मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लिया उसने। खैरियत तो है, तू यहाँ क्या करने आई है? या अपनी माँ से मिलने के लिए आ रही है? जब ऊपर वाले फ्लैट में तुझे कमरा दिया हुआ, तो मर जाके वहीं पे बैठ। नीचे आने की क्या जरूरत थी तुझे? किसी यार के साथ भागने की तैयारी थी तेरी? एक तो ये कमीना जो है ना, शौकत, सिर्फ एक बार इजाजत दे दे मेरे को, फिर देख कैसी धुलाई करती हूँ तेरी मैं। अरे कमीनी कीमा बना दूंगी तेरा कीमा। कहाँ की जा रही थी है? चल दबा जा ऊपर, वरना चटनी बना के रख दूंगी तेरी। कमीनी हो तुम लोग, क्या देख रही हो? आप इस कमरे से बाहर उस पोर्शन में गई थी? दरअसल गई थी या नहीं? जी गई थी। आपको इस कमरे से निकल कर उस पोर्शन में जाने की बगैर इजाजत? मैंने ये दरवाजा सिर्फ इसलिए खुलवाया है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप इस दरवाजे से किसी को आवाज दे और वो चीज आपके पास हाजिर हो जाए। और आप कि मुझे अभी आपकी आंखों पर एतबार नहीं है, पर मैं क्यों भरोसा करूं? I'm sorry, वो असल में मुझे इस लहजे में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो क्या है कि आपको उस पोर्शन में नहीं जाना चाहिए था। वहां गंदी गंदी लड़कियां रहती हैं और आप तो जानती हैं कि आप बीवी बनने जा रही हैं, और हम नहीं चाहते कि उन गंदी गंदी लड़कियों की असरात आप में आए। मैं वहां बस देखने गई थी कि जो लोग मेरे पास आएंगे मुझसे दुआएं लेने, वो उस माहौल को देख के क्या क्या समझेंगे। चाय पीने? आपने मुझे कहा था कि आपको रास्ते का जरिया बताऊं,
अगर आप यहाँ से किसी को रابطہ करें तो किसे करेंगे? एक तो बंदे जिनसे मैं रابطہ कर सकती हूँ, क्या वो शौकत से टक्कर ले पाएगा? कुछ कर पाएगा तो ठीक है, वरना ऐसा सोचना भी मत। मेरे लिए कुछ भी करेगा, उसके लिए मेरी आवाज ही काफी है। मेरा नाम तो नहीं आएगा ना बीच में? मेरी जान पे ही बन जाएगी तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा, ये मैं वादा करती हूँ तुमसे। क्या आप जानती हैं कि शौकत आपको अपनी बीबी जाहिर करके मुल्क से बाहर ले जाना चाहता है? मुझे बीबी? उसके दफ्तर में उसका एक राजदार दोस्त आया था, वो आपकी शराफती कार्ड की तफसील उसको बता रहा था। उसने निकाह नामा भी बनवाया आपका और पैदाइश का सर्टिफिकेट भी। वो शनाख्ती कार्ड में आपको अपनी बीवी जाहिर करेगा और फिर पासपोर्ट और वीजे में। ये कैसे हो सकता है? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, NIC, निकाह नामा, ये सब कुछ मैं पहुंच चुकी के बगैर कैसे होगा? उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हर दफ्तर में उसके जानने वाले लोग पैसे लेकर उसका हर दो नंबर काम करते हैं। शादी हुई भी है, शादी शुदा, मुझे उसकी बीवी नहीं बनना, मुझे मुल्क से बाहर भी नहीं जाना, तो उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। एक रास्ता हो सकता है। क्या? इस घर में दो फोन है, एक लड़कियों के कमरे में है और एक शौकत के दफ्तर में। जब भी किसी लड़की को फोन करना होता है तो दफ्तर में बैठा हुआ लड़का उनकी बात सुनता है एहतियातन, ताकि लड़की कोई गड़बड़ ना कर दे, और वही दफ्तर वाला लड़का उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाता है उनकी जांच के लिए। आप जब फोन कर लें, लेकिन देखें बहुत जल्दी जल्दी फोन कीजिएगा। एक दो बातें करके जल्दी से फोन बंद करना है आपने, क्योंकि वो फौरन आता है छोड़कर उन्हें वापस। मैं 6 बजे बर्तन उठाने आऊंगी तो आपको फोन करवा दूंगी। लिख ली 14 हो गई, जल्दी से छोड़ कर क्या देर हो रही है? चलो मुंह क्या देख रही हो, मेरा दफा हो जाओ, जाओ जल्दी से और चलो निकलो अभी। Thank you.
फोन उठाए। क्या करूं अब, फोन भी नहीं उठा रहे। सुपा नंबर Zuhabuddin here. Zuhabuddin. Bibi Naya Iqbal, आपको ये निकाह कबूल है? का पूरा नाम जोहाबुद्दीन है। नायाब, तुम हो कहाँ? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सब इतना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। मुझे किडनैप कर लिया। क्या मतलब ट्रैप कर ली गई हो? तुम हो कहाँ, मुझे अपनी लोकेशन बताओ। लोकेशन तो मुझे नहीं पता। आप इस नंबर से ट्रेस कर लीजिए कहाँ है लोकेशन। और सुने, मुझे आपको एक बात बतानी है। हेलो नायाब, तुम कुछ कह रही थी। हेलो जोहाबुद्दीन, कॉल लाइन कट गई। फैसल, मैंने अभी एक नंबर एसएमएस किया, उसकी लोकेशन फॉरन ट्रेस करो। इमरजेंसी है यार, तुम ट्रेस तो करो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो